एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है ओनली जॉब अपडेट यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे 2021 में लॉकडाउन के चलते ईद उल फित्र की नमाज कहां पे अदा की जाएगी। जी हां दोस्तों, मस्जिदों में, फिर या ईदगाह में, या फिर घर पे अदा की जाएगी। सारी जानकारी इस वीडियो में आपको मिल जाएगी। इस वीडियो को बिल्कुल स्किप नहीं करना है। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। ऐसे ही रोजाना देश विदेश की सरकारी योजनाओं की जानकारी पाने के लिए हमारे चैनल ओनली जॉब अपडेट को भी सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों आज का टाइम लगा हुआ है, वीडियो को शुरू करते हैं। कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए दुनिया भर में लॉकडाउन, लोगों से जुड़ने में पाबंदियां हैं। प्रथम स्थान धार्मिक आयोजन भी बंद है। पूरा रमजान महीना लॉकडाउन में गुजरा है, ऐसी पहली बार हुआ है। दुनिया भर में लोग मुसलमान अपने सबसे बड़े त्यौहार ईद उल फित्र की नमाज या ईदगाह पर नहीं बल्कि घर में अदा करेंगे। मौलाना काजी नसरुद्दीन ने बताया कि इस्लाम में ऐसी नमाज पढ़ने की इजाज़त देता है। बड़ी बीमारी जंग या कोरोना वायरस जैसे हालात जिस तरह पांच लोग या इससे ज़्यादा लोग इसे एक समूह बनाकर को इमाम बनाकर ईद की नमाज अदा कर सकते हैं। शरीयत के मुताबिक बहुत ही बीमारी मजबूर हो तो इस सूरत में ईद की नमाज माफ़ होगी। अगर इस किसी तरह किसी वजह से अकेला या समूह में इमाम साहब के पीछे अदा करनी मुमकिन हो या काजी साहब ने बताया कि जिसकी तरह जुमा शुक्रवार को नमाज की छूट जाने पर या किसी कारण सबके साथ पढ़ना मुमकिन ना हो, जोहर दोपहर की नमाज अदा की जाती है, उसी तरह मीठी ईद की नमाज अकेले में घर ही ईद उल फित्र की नियत बांधकर अदा की जा सकती है। इसी नमाज के दौर में दो या चार रकत नमाज में अदा की जाती है। फिर नमाज के बाद सीधी दुआ मांगी जाती है। अगर दोस्तों वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। ऐसे ही रोजाना वीडियो देखने के लिए, ऐसे ही रोजाना देश विदेश की सरकारी योजनाओं की जानकारी पाने के लिए हमारे चैनल ओनली जॉब अपडेट को अभी सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच। आपने अपना कीमती समय दिए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।